वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं सऊदी अरब में सिनेमास के खुलने की और MBS के विजन की। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, एक विजन 2030 का हिस्सा था एक सिनेमा घरों को खोलना, फिर उसके लिए एक पाकिस्तानी फिल्म का सेलेक्ट होना। बड़ी ज़बरदस्त फिल्म एक पाकिस्तानी ने बनाई थी और फिल्म मेकर है एसन मिनास। इनकी अरबी शॉर्ट फिल्म थी सुकून, एडिक्शन ऑफ साइलेंस। यस, गुज़श्ता माह सऊदी अरब में यह फिल्म दिखाई गई फिल्म फेस्टिवल में। बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी। कहानी और स्क्रीन प्ले के लिए अमेरिका और तुर्किया में इंडिपेंडेंट शॉर्ट अवार्ड्स और अनातोलियाई अवार्ड्स में कई एजाज ये फिल्म अपने नाम कर चुकी है। इस मुख्तसर फिल्म को लॉस एंजलिस में होने वाले हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल के लिए भी मुंतखब किया गया है, जो रवा साल नवंबर में मुनक्द होगा। और आज इससे मुतालिक बात करने के लिए फिल्म मेकर हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल जी, हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टर हैं और फिल्म मेकर हैं जनाब एहसन मिनहास। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि सुकून साइलेंस ऑफ एडिक्शन एडिक्शन ऑफ साइलेंस ये क्या इसका थीम है? सुनने में ही कुछ लग रहा है कि एक्साइटिंग सी चीज है, तो इसका ओवरव्यू है क्या? बेसिकली वालेकुम सलाम, रियली गुड टू बी हियर। मैं बेसिकली फिल्म जो है काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे बनी थी। इट वाज अबाउट क्रिएटिव्स पर्सपेक्टिव के हर क्रिएटिव इंसान दुनिया में, चाहे पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, अमेरिका में हो, सऊदीया में हो, वो एक एक जर्नी के थ्रू गुजरते हैं टू प्रूव देमसेल्व्स बेसिकली। और उसमें उनको जो ऑब्स्टिकल्स, जो मुश्किलात, जो जर्नी उनकी एक बहुत लंबी एक एक क्रिएटिव की होती है, उसमें कुछ सैक्रिफाइसेस होते हैं, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट यू वांट इन लाइफ। और उसमें बेसिकली इट इज अबाउट द रिलेशनशिप जिसमें वो है ऑफ हिज मैरिज, बेसिकली वो इज फॉलिंग अपार्ट। और वो प्रोसेस मैंने बड़ा स्पेसिफिकली दिखाया कि इट वाज अबाउट साइलेंस, इसीलिए इंग्लिश टाइटल इसका एडिक्शन ऑफ साइलेंस। तो उसमें क्या कहते हैं, एक प्रोग्रेशन है। स्क्रीन प्ले मैंने खुद लिखा था, आई प्रोड्यूस्ड इट, आई डायरेक्टेड इट। एक अरबिक स्क्रीन प्ले आती है, लेकिन आपकी मूवीज को इतना सराहा गया इस फिल्म को, इसके पीछे रीजन क्या थी? आपने खुद मूवी को कहां से स्टडी किया फिल्म को? बेसिकली क्या कहते हैं, रियल लाइफ इवेंट्स, क्या कहते हैं, मेरे इर्द गिर्द जितनी सारी कहानियां ऐसी कि कोई ना कोई किसी ऐसी मुश्किल से गुजरा है जिसमें या तो उसकी फैमिली उसे छोड़ गई या तो उसे छोड़ना पड़ा किसी को। और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ कनेक्ट की इमोशनली कि क्रिएटिव्स को ये क्यों करना पड़ जाता है, व्हाई इज इट के एवरीवन किसी ना किसी कहानी में ये कुछ कॉमन है। तो मैंने वो चीज़ पकड़ी और फिर मैंने उसके एग्जीक्यूशन पे इस तरह ध्यान किया कि यार इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं। मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से फिल्म प्रोडक्शन मैंने पढ़ी हुई है, आई वर्क्ड इन हॉलीवुड, तो मेरा जो एस्थेटिक सेंस है वो हॉलीवुड फिल्मों की तरह है और न्यूयॉर्क थिएटर और इस तरह के मेरे रेफरेंसेज हैं। तो मैंने कहा कि सऊदी कल्चर और जो सऊदी में सिनेमा बढ़ रहा है, यू नो इट्स पार्ट ऑफ द विजन 2030, और मैंने कहा कि चलो सिनेमा खुल गया, people want to watch new stories, people want to watch new executions, to mere paas jo experience skill hai jo main bias se laya hu, main us cheez ko merge karta hu. Phir maine apne references nikale, maine films nikali, marriage story ek hai, Adam Driver usme hai aur wo ek Malcolm and Marie hai, matlab is tarah ki international references nikal ke maine Saudi culture ke sath usko merge kiya. ऐसे नहीं, ये बताइएगा कि इसकी एग्जीक्यूशन कहाँ पर आपने की, एक चीज़, और दूसरी चीज़ इस वक्त ये जो आपकी फिल्म है ये सऊदी अरब के अलावा कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे क्या कुछ अवार्ड्स में नामजद हुई या कहाँ पर स्क्रीनिंग हो चुकी है इसकी? या बेसिकली ये सऊदी फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट होने से पहले ही दिस वॉज दो अवार्ड्स जीत चुकी थी LA में, इंडिपेंडेंट शॉर्ट्स अवार्ड्स में फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और ऑल्सो फॉर मी एंड माई को डायरेक्टर बीइंग फॉर बेस्ट डायरेक्टर्स। और फिर उसके साथ क्या कहते हैं, टर्की में कैटेगरी क्लीन स्वीप हो गई। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि बेस्ट फॉरेन शॉर्ट वहाँ पे जीत गई, एंड देन एक मेजर फिल्म फेस्टिवल में जब सेलेक्ट हुई नवंबर में, फिर इटली में सेलेक्ट हो गई, और फिर अभी चार और सिलेक्शंस हो रही हैं। आई हैव साइंड विद अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एज वेल, मे बी आप इसको नेटफ्लिक्स पे देखेंगे वेरी सून। फिल्म्स में से इसका इंतखाब किया गया, टोटल कितनी फिल्म्स थी इसके मुकाबले में? सऊदी फिल्म फेस्टिवल में तकरीबन 400 फिल्में सेलेक्ट हुई थी, और सॉरी 400 फिल्में सबमिट हुई थी,
और फिर उसके बाद अराउंड 50-60 सेलेक्ट हुई थी, और फिर ये वन ऑफ द मेन रोस्टर्स में से था, बिकॉज ये सऊदी फिल्म थी, सऊदी में शूट हुई थी, रियाद में थी, मैंने सारा कुछ रियाद में इसको किया था, और अरेबिक में थी, तो वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया है यहाँ पे सऊदी फिल्म फेस्टिवल के लिए, तो वो सारे क्राइटेरिया को चेक करके, आई मीन जब वो गई तो मुझे तो समझ ही ना आया कि एक पाकिस्तानी, आई वॉज द ओनली पाकिस्तानी पूरे सऊदी फिल्म फेस्टिवल में, दूसरा था ही नहीं कोई। वाह ठीक है, तो क्या या प्लान है आपके एसन, कोई पाकिस्तान वापसी का इरादा है कंटिन्यू करने का यहाँ पर फिल्म्स, क्योंकि हमारे पास एक बिलाल अशारी मौजूद हैं, गिने चुने डायरेक्टर्स हैं जिनके एस्थेटिक अच्छा है। जी, मतलब क्या कहते हैं, आई डेफिनेटली मैं जानता हूँ सारों के काम को, इधर उधर क्या कहते हैं बम्पिन हो चुके हैं, लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान में डेफिनेटली मेरा ड्रीम है कि मैंने एक प्रोजेक्ट करना है, मैंने दो तीन मेरे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं जो मैं सोच रहा हूँ, एक फीचर फिल्म का आइडिया है जो मैं लिख रहा हूँ, एक सीरीज का आइडिया है, मैं कुछ सऊदीया में भी मेरे काम क्योंकि ऐसे चल रहे हैं, मैं प्रोडक्शन हाउसेस के साथ अटैच हूँ विद फंडिंग फाइनेंस पीपल एज वेल, तो वो भी क्या कहते हैं यहाँ पे है, अभी यूएस एम्बेसी वालों के साथ मेरा कुछ चल रहा है, तो बहुत सारी कुछ वंडरफुल। चीजें हैं ऐसी, लेकिन पाकिस्तान में होपफुली मौका सही आए, टाइम सही आए, तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली सबसे इंशाल्लाह पहले मैं इंशाल्लाह चाहूंगा कि कुछ जबरदस्त हो, कुछ नया हो, कुछ पाकिस्तानीज आर डिफरेंट हो। लुकिंग फॉरवर्ड के कुछ अच्छी प्रोडक्शन हमारे सामने आए। एसन, आपकी ये जो फिल्म थी एडिक्शन ऑफ साइलेंस, इसकी स्टोरी आपने खुद लिखी या इसका राइटर कोई और था? फिर अरेबिक जाहिर है हमारी हम पाकिस्तानियों की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती, तो आपने क्या जी इसको सीखा अरेबिक को, कैसे ये सारा एग्जीक्यूट किया आपने नहीं, फिर? मैं एक्चुअली थोड़ी अरबी बोलता हूँ, तो उसमें बेसिकली मैं यहाँ वाह पे 8 साल की उम्र से हूँ, तो 22 साल से आपको ज्यादा हो चले मुझे सऊदीया में, तो लेकिन स्क्रीन प्ले मैंने इंग्लिश में लिखा था, पूरी स्टोरी मेरी थी, और फिर उसके बाद मैं एक अरबिक स्क्रीन पे राइटर ले आया जो इंग्लिश भी परफेक्ट बोलता था और अरबी भी यहाँ की लोकल था बंदा, और उसका थिएटर राइटिंग बैकग्राउंड था, तो मैं उसको क्या ऑन बोर्ड बात ले है, आया था, और फिर सऊदियों को इकट्ठा किया, अरबिक क्रिएटिव्स को इकट्ठा किया, वी गॉट सऊदी कास्ट मेंबर्स, लीड्स मेरे सारे सऊदी हैं, और फिर उसके बाद मतलब प्रोसेस ऐसे ही था अच्छा। जैसे सऊदी यूरोप अरब से में फिल्म मेकर टैलेंट को हॉलीवुड जाते एक्सप्लोर हैं। करना ऐसे कितना मुश्किल था, क्योंकि जाहिर है सिनेमा तो अब वहाँ पे बन रहा है ना, पहले उस तरह सा फिल्म कभी बनी नहीं थी, वहाँ पे उस तरह के राइटर्स ढूंढना, उस तरह के एक्टर्स ढूंढना, ये सारी चीज़ें क्या मुश्किल थी टैलेंट को तलाश करना? नहीं, क्योंकि पहले तो ये कि पिछले 2 साल से ये सब ऑलरेडी हो रहा है, ये अब मतलब आगे बढ़ चुका है, तो चीजें काफी हद तक खुल गई हैं यहाँ पे, तकरीबन मतलब 300 के करीब तो स्क्रीन्स खुल गई हैं, और उसके साथ मतलब फेस्टिवल्स, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, सऊदी फिल्म फेस्टिवल, यू नो एज पार्ट ऑफ हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, दिस हैज बीन अ ह्यूज इनिशिएटिव, विजन 2030 में मोशन पिक्चर्स और फिल्म एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, तो मुश्किल नहीं था क्योंकि बहुत सारे सऊदी और बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स बाहर से आ गए वापस अपने मुल्क में, इधर सऊदिया में, एंड मैं तो इधर ही था, तो इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ, मैं तो तब से इधर फिल्म स्टार्ट की थी जब कैमराज बैंड थे, सही तो एंड देन सडनली सब कुछ खुल गया, सब कुछ चेंज हो गया, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से और पाकिस्तानियों के लिए इधर खोलूं कि वो इस तरफ भी देखें कि ये ग्रोइंग मार्केट है, या यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक 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 प्लेटफॉर्म है टू प्ले ऑन, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटिंग हो रही है, जब हाँ मैं अरब न्यूज के साथ भी बात की थी इस पे, मेरा सबसे बड़ा यही थी कि मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत कुछ खुल गया है, बहुत कुछ खुल रहा है, और मैं वहां पे बैठ रहा हूँ जगह पे जहाँ पे मुझे जो सुनने में चीजें आ रही हैं वो बहुत बड़ी हैं, वो ठीक है, बहुत बहुत दरवाजे खोल सकती है हाँ नो हमारे लिए, और डाउट आई नो थिंक हमें डाउट, इस तरह थोड़ा सा रुख करना चाहिए विजन कि ट्वेंटी क्या कुछ थर्टी हो में रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा ऐसे नहीं, ये बताइएगा कि आपका कोई स्पेसिफिक नीश है, कोई स्पेसिफिक जॉनरा जिसमें आपको काम करना पसंद हो, लाइक पीरियड में काम करना पसंद हो या साइंस फिक्शन में या कुछ और? हाँ, मैं एक्चुअली साइंस फिक्शन लिख रहा हूँ, मेरी आजकल कुछ लोगों से बात भी चल रही है इस पर कि क्या नाइस किया जा सकता है इस पर, ड्रामा यूजुअली मेरा मेरा जरा स्टाइल इज फिल्म। समवॉट ड्रामा फिल्म नैरेटिव फिक्शन, वेरी साईफाई साइकोलॉजिकल ओके थ्रिलर वंडरफुल, एस्पेक्ट्स लाइक एंड इंसेप्शन। समथिंग जो कि आपको सेल्फ, हाँ मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन,
बेसिकली समथिंग जो कि अगर आप मेरी फिल्में देखें और वहां से निकलें तो आप आईने में जाके अपने आप को घूर रहे हो और अपने बारे में सोच रहे हो कि आप हैं कौन असल में। वंडरफुल, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपने ये काम किया है। एसन, आगे क्या प्लान्स है, इरादा क्या है आपका, अगले 5 सालों में क्या करना चाहते हैं? अगले 5 साल का तो यहाँ पे तो अपने अगले दिन का नहीं पता होता। सही बात है। लेकिन लेकिन सही बात कहूँ कि प्लान्स ऐसे हैं कि डेफिनेटली अब टाइम आ गया फीचर्स बनाने का, सीरीज बनाने का, अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, इनके साथ काम करने का, लोकल जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है पाकिस्तान में वहाँ पे इस एस्थेटिक को लाने का। इंटरनेशनली मैं बहुत सारे चाहता हूँ कि मेरे जो लोग हैं फिल्म मेकर कलीग्स न्यूयॉर्क से, फ्रॉम द यूके, फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ से मैंने लोग कनेक्शंस बनाए हैं, सऊदीया में जो बनाए हैं, इन सारों को एक दिन मेरा ड्रीम है कि हम पाकिस्तान में एक प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें ये सारे क्या पाकिस्तान आए बात है। हुए और लोग। पाकिस्तान में खास तौर पे ऐसे आपका प्लान सिनेमा रिवाइवल का है या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई काम करने का? मैं बेसिकली फिल्म्स, हर फिल्म डिफरेंट होती है तो मैं फिल्म्स को अप्रोच करता हूँ कि ये ओटीटी के लिए परफेक्ट है, कुछ फिल्म्स को या सीरीज आपकी टीवी या एसन, हम सिनेमा के अभी लिए तक अच्छी है, नेटफ्लिक्स फिर को सारे अप्रोच कवर क्यों नहीं कर करता सके? अभी तक हम नेटफ्लिक्स हूँ। को नेटफ्लिक्स नेट ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली बहुत लोगों ने पहले भी किया हुआ है, हमारा कुछ कंटेंट है नेटफ्लिक्स में, लेकिन मसला यहाँ पे आ जाता है कि हमारे कुछ डेफिनेटली कुछ बैरियर्स हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं व्हेन इट कम्स टू यू नो हमारे ब्रिजेस और प्लेटफॉर्म चैनल्स पाकिस्तान से जरा थोड़े डिफिकल्ट है नेटफ्लिक्स के साथ या इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ। देर आर थिंग्स मैं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर सकता, बट जो मुझे पता है वो ये है कि डेफिनेटली वो चीजें खुलनी चाहिए, वो चीजें नहीं खुली हुई शायद तो इसीलिए मुश्किल है। बट मैं अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकता हूँ कर रहा हूँ कि सऊदीया से बैठा हुआ बीइंग अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री फ्रॉम अ क्रिएटिव स्टैंड पॉइंट एंड कल्चरल स्टैंड पॉइंट, ये कोशिश तो है, ये कोशिश तो चलती रहेगी। ऐसे मुझे ये बताएं कि जो फिल्म मेकर्स इस वक्त स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने एक ड्रामा किया या सीरीज की तरफ जा रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स पे अभी तक हैं मौजूद पाकिस्तान में बैठे हुए, वो कैसे सऊदियन मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं? देखिए रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल खुला हुआ है टू ऑल इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। मैं सऊदीया में भी बैठ के क्या कहते हैं, अगर मैंने किया है तो इट्स नॉट ठीक है, इट हैज इट्स एडवांटेजेस कि आप इधर हो तो आपने फिल्म बनाई है तो आप जल्दी देखे जा सकते हो, लेकिन पाकिस्तान से मैं सारों को इंकरेज करूंगा कि रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 की एप्लीकेशंस खुली हुई है, अगस्त 28 तक उसकी डेडलाइन है और एप्लीकेशंस ओपन है टू ऑल ओवर द वर्ल्ड फिल्म मेकर्स को। तो आप बनाए फिल्म, आप रिस्क लें, आप एक अच्छी वेरी फिल्म बनाए, नाइस। एक यूनिवर्सल स्टोरी और पे फोकस करें और फिर उस चीज को क्या कहते हैं आप बस डाल दें। मैंने अपनी पहली फिल्म जो ठीक रेड है, सी में गई थी और 2021 रिजल्ट्स में, का मैंने वेट उसकी कोई करें वे। एक्सपेक्टेशन नहीं थी और और मेरी ऐसे कोई इसके साथ साथ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, वो चला क्या गया। मार्केट, सऊदीया की मार्केट में एक्टर्स के लिए भी गुंजाइश है पाकिस्तानी एक्टर्स? अच्छा ये मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट क्या कहते हैं ये एक चीज है फाइन लाइन जिसमें एक्टर्स अगर लीड्स बनना चाहते हैं तो मुश्किल है। आई थिंक एक्टर्स के लिए बहुत स्लिम चांसेस हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर एंड यस, स्पेशली सऊदी राइट नाउ। ये लैंग्वेज देखे ना, बैरियर एक हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में हम अपना कल्चर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम फ्रंट पे किसको देखना चाह रहे हैं, एक पाकिस्तानी क्या कहते हैं टैलेंट को, तो उसी तरह ये लोग डेफिनेटली अपने फ्रंट दे पे वांट टू सऊदी सी टैलेंट को सऊदियंस। देखेंगे, ऐसे नहीं, एक बट आखिरी चीज, बिहाइंड पाकिस्तान को और कैमरा जैसे डायरेक्टर्स की देयर आर बहुत ज्यादा डिफरेंट। इस वक्त जरूरत है। क्या आप कोई प्लान रखते हैं लोगों को ट्रेन करें, लोगों को इसके लिए, वो लोग जो सीखना चाहते हैं, जो आपके लेवल का काम करना चाहते हैं या उसकी ख्वाहिश रखते हैं, उनको कुछ सिखाएं आप? मैं एक्चुअली वर्कशॉप्स रेगुलरली पाकिस्तान में करता रहता हूँ यूनिवर्सिटीज में। मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ, अभी मैं रिसेंटली अभी मैं फिर से ईद की छुट्टियों के लिए आ रहा हूँ, बट ये है कि जब भी मैं चक्कर लगाता हूँ तो रिफा यूनिवर्सिटी में मैंने वर्कशॉप कराई है, मैं क्या कहते हैं आई हैव टॉट इन TMUC एट अ सर्टेन पॉइंट इन लाइफ बहुत पहले एज अ गेस्ट लेक्चरर। तो मेरा एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है शुरू से रहा है कि आई रियली वॉन्ट बहुत टू खूब, इवॉल्व एंड ट्रेन दी यंग पाकिस्तानी फिल्म मेकर ग्रुप, जो कि इंशाल्लाह मैं और लोग देखना चाहता हूँ इस फील्ड में। इंशाल्लाह मुझे क्या मुझे होता बात है कि कम क्यों है इतने ज्यादा, स्पेशली इधर इंटरनेशनली,
आई थिंक इनिशिएटिव्स मेरे हैं और मैं इसको पुश करता रहूंगा. दिस इज समथिंग इंशाल्लाह। मेरे लिए प्रायोरिटी है. थैंक थैंक यू सो मच एहसन मिन्हास फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू बेस्ट यू. ऑफ लक फॉर योर वेंचर्स। खवातीन और हज़रात एक करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को हमारे साथ रहें।